नहीं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर टू इज रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ अ डेटाबेस। करंट वन चैप्टर इज प्रिपेयरिंग द डेटाबेस एनवायरनमेंट। करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डीबीए के रोल्स क्या हैं, डीबीए को इंस्टॉलेशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ओएफए ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर क्या होता है, ओयूआई क्या होता है, ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर। बीइंग अ डीबीए आपके टास्क क्या हैं और आपके टास्क इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग कब से बिगिन हो जाते हैं, लाइक फ्रॉम एवेल्युएटिंग योर हार्डवेयर। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मशीन्स भी होती हैं, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, न्यूमा मशीन्स, क्लस्टर मशीन्स। आपको अपना बिजनेस एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखना है, एक बैंकिंग सोल्यूशन है और आपको ओएलटीपी एप्स डिप्लॉय करनी है, लाइक दे शुड बी 24/7/365। आपको कोई रैक हार्डवेयर चाहिए एमपीपी आर्किटेक्चर की। आपका एक रिटेल का सिस्टम है जो कि सिंपल एक आप कह लें स्टोर जो कि 9 to 5 ऑपरेट होना है, आपका एसएलए इतना ही है, तो ठीक है आप एक एसएमपी मशीन भी परचेज कर सकते हैं जो कि आपको चीप रेट के ऊपर मिल जाएगी, नॉट एट अ ह्यूज कॉस्ट। तो इसी तरह से अगर एक मोबाइल कैरियर कंपनी है जिसमें 30 सेकेंड इज अ हैंग आउट टाइम, या कॉल मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो आपको न्यूमा मशीन्स या क्लस्टर मशीन्स की तरफ जाना पड़ेगा। सो इनिशियली इट इज डिपेंडेंट कि आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है, आप किस लाइक बैंकिंग एप्स है, मोबाइल आपकी कम्युनिकेशन एप्स है, आपकी यूटिलिटी बिल्स है, रिटेल सिस्टम्स हैं, कस्टमर इंक्वायरी सिस्टम्स हैं, आपके रेडीमेड ईआरपीज हैं, क्या चीज़ है जिसने चलना है। नंबर टू, ओरेकल सॉफ्टवेयर, क्या आप न्यू वन पैकेज परचेज कर रहे हैं 11G, या आप माइग्रेट कर रहे हैं 8.0.5 से 11G पे, तो माइग्रेशन क्रिएशन, डेटाबेस ओपनिंग, डेटाबेस सिक्योरिटी की क्या स्ट्रैटेजी है, किस टाइप का डेटा है, क्या टेक्सचुअल है, स्पेशल है, एक्सएमएल डेटा है, आप किस टाइप के डेटा के ऊपर जिसे कहते हैं इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स प्योर मल्टीमीडिया डेटाबेस, इसमें तो स्पेशल डेटा माइनिंग एवरीथिंग इज कैपेबल, ये तो करके देगा आपको, बट आपकी हार्डवेयर उसकी करस्पॉन्डिंग हो। देन बैकिंग अप, क्या आप हॉट बैकअप, कोल्ड बैकअप, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, या आप लॉजिकल बैकअप टेकअप करेंगे, आप किस टाइप के बैकअप टेकअप करेंगे। एंड देन नेटवर्क कंट्रोल, क्या आप 2-tier बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे, आप एन टीयर बेस्ड या 3-tier बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे। डेटाबेस का डिजाइन, डिजाइन इज टोटली डिपेंडेंट, क्या आप ओएलटीपी एप्स चलानी है, हाईली नॉर्मलाइज्ड, लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव एनएफ तक नॉर्मलाइज होगा। आपने डीडब्ल्यू डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरमेंट चलानी है तो स्ट्रांगली डीनॉर्मलाइज्ड डेटा होगा, क्यूब्स, डायमेंशंस, हायरार्कीज होंगी जिसके ऊपर आपको ओलैप और डेटा माइनिंग वगैरह की स्ट्रेटजीज चलानी है। यहाँ पे स्टार क्यूरी, स्टार स्कीमाज होंगे, यहाँ पे प्योर लाइक आपके अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन आपके स्कीमाज होंगे। सो दोनों एनवायरमेंट्स में ठीक ठाक फर्क है। देन डेटाबेस फेलियर, अगर कल को डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या सोल्यूशंस हैं आपके पास फेलियर। लाइक दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, मीन टाइम टू रिकवर, MTTR शुड बी 0 सेकेंड। 0 सेकेंड मीन कि अगर अभी डेटाबेस फेल होता है तो इट शुड बी अवेलेबल इन 0 सेकेंड। ऐसा तभी होगा अगर आपके पास DR साइट, डिजास्टर रिकवरी साइट हो, आपने या तो रैक कॉन्फिगर किया हो, या आपने डेटा गार्ड कॉन्फिगर किया हो, या डेटाबेस स्ट्रीमिंग कॉन्फिगर हो। और अगर ये तीनों नहीं है तो इट्स डेफिनेटली कि आपका MTTR 0 सेकेंड नहीं हो सकता। मीन टाइम बिटवीन फेलियर शुड बी इन्फिनिटी, कि अगर आज डेटाबेस फेल हो जाता है तो दोबारा ऐसी हरकत कभी ना हो। बट ये दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए DR डिजास्टर रिकवरी शुड बी देयर। नहीं होगी डिजास्टर रिकवरी साइड तो आप ये जितना वर्कशॉप 1-2 पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम ये ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं कर सकते। आपको OCM का रैक, डेटा गार्ड या स्ट्रीमिंग लाजमी पढ़ना होगा ताकि इन फ्यूचर आप कह लें कि ये काम कर सकें। जी अब आप क्वेश्चन कीजिए। सॉरी थोड़ा सा वेट कर लिया करें तो मैं चला जाता हूँ साइड पे। ठीक है, मॉनिटरिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, डेटाबेस परफॉर्मेंस के क्या इश्यूज हैं उसको मॉनिटर करना है। इसमें दोनों रिएक्टिव ट्यूनिंग, प्रोएक्टिव ट्यूनिंग, ठीक है, दोनों की दोनों ट्यूनिंग आपको करनी है। कोई प्रॉब्लम आ जाने से पहले भी ट्यूनिंग, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बीइंग अ डीबीए ये आपके टास्क हैं। कोर टास्क, डेटाबेस अवेलेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी, डेटाबेस नेटवर्किंग, डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, डेटाबेस बैकअप रिकवरी, दीज आर ऑल योर टास्क। अगर आप ये टास्क, ये आपकी ड्यूटी है, इट्स अ कोर डीबीए स्किल्स। कोर डीबीए स्किल्स में ऑल थिंग्स दीज आर इंक्लूडेड। व्हाइल ऑन अदर एंड साइड टूल्स लाइक वन इज ओयूआई, इसके साथ तो आज ही आपका वास्ता पड़ जाएगा ना, ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर। ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर इज अ प्योर जावा बेस्ड टूल। इसकी सीएलआई मोड भी है, इसका गुई मोड भी है, ठीक है, सीएलआई एंड गुई बोथ आर देयर। कमांड लाइन इंटरफेस भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। सो इससे आप HTTP बेस्ड इंस्टॉलेशन, लाइक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, FTP बेस्ड इंस्टॉलेशन, अटेंडेड, अनअटेंडेड, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, किसी भी तरह की ओरेकल के कंपोनेंट्स की, डेटाबेसिस की, लिसनर्स की करनी है तो यू कैन डू दैट वन। फिर उसके बाद आपका वास्ता पड़ेगा DBCA से, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट।
डीबीसी है, जिससे आप नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एएसएम की मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं, डेटाबेस को रिकॉन्फिगर कर सकते हैं. यू कैन डू ऑल दीज डिफरेंट टास्क. देन आएगा डीबीयूए, डेटाबेस अपग्रेडेशन असिस्टेंट. डेटाबेस अपग्रेडेशन असिस्टेंट से आप क्या कुछ कर सकते हैं, लाइक यू वॉन्ट टू माइग्रेट और यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर डेटाबेस 8.0.5 टू 11G या 8i या आप 9i या आप 10G को 11G में लेके जाना चाहते हैं. तो ये ऑल, ये उसकी बाइनरीज वगैरह को अपग्रेड नहीं करता, ये ओरेकल होम को अपग्रेड नहीं करता, सिर्फ डेटाबेस को, ओनली डेटाबेस को. उसके लिए आपको ओरेकल पैच देता है, पैच आप अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली रन करते हैं. सो आपका होल कह लें कि ओरेकल होम गॉन टू बी अपग्रेडेड, पैच वो आपको लगाना पड़ता है. देन ओरेकल नेट मैनेजर, नेट MGR, जिससे आप लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन, मींस के टू टीयर नेटवर्किंग की तमाम कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क प्रोफाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन, TNS कॉन्फ़िगरेशन, चंद एक मैं टर्म्स भी बोल रहा हूँ, शायद वो आपके लिए आज नई हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आगे जाके आप खासी उन चीज़ों को देखेंगे. ये तमाम टूल्स हमने डिफरेंट चैप्टर्स में यूज़ करने हैं. जब अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे आएंगे तो आप इनके आर्किटेक्चर, इसको कैसे इन्वोक करना है, इसकी क्या कमांड्स होती हैं, वो आप सीखेंगे. OEM, Oracle Enterprise Manager, both with a grid and without grid, जिसे हम स्टैंड अलोन, सादा, ठीक है, या बहुत ही सादा आप कह लें, जो भी आप इसके लिए कहना चाहें, ठीक है. सो OEM, जिससे आप कोर DBA एक्टिविटीज, जिससे आप सारे के सारे DBA टास्क वगैरह परफॉर्म करेंगे, बैकअप रिकवरी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, नेटवर्किंग, स्कीमा मैनेजमेंट, तो वो तमाम के तमाम थ्रू OEM. दो तरीके हैं, OEM आपका HTTPS प्रोटोकॉल पे चलेगा इनसाइड अ ब्राउजर, सो आप उसको कैटर कर सकते हैं. देन वी हैव SQL प्लस, SQL प्लस जिसे आप SQL प्रॉम्प्ट कहते हैं. पुराने जमाने में ये डेवलपर DBAs दोनों के लिए होता था, लेकिन फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन ऑफ Oracle 11G रिलीज 1 टू ऑनवर्ड, रिलीज 1 और रिलीज 2 पे Oracle Corporation स्ट्रांगली रिकमेंड्स कि SQL प्लस सिर्फ और सिर्फ DBAs यूज करेंगे और वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज करेंगे. इसके ऊपर आप कोई SQL पैकेज, कोई PLSQL वगैरह डायरेक्ट इन्वोक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एक ब्यूटी है. ब्यूटी ये है कि अगर आप कोई DML कर दें और ये टर्मिनल क्रैश हो जाए तो वो DML ऑटोमेटिकली कमिट हो जाती है, ठीक है. डैट्स वाई के कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि PLSQL डेवलपर इसे यूज करें. PLSQL डेवलपर्स के लिए Oracle आप इंट्रोड्यूस SQL डेवलपर इज अ GUI टूल, जस्ट लाइक जैसे टोड का, जैसे टोड आप यूज करते हैं, ऐसे Oracle ने SQL डेवलपर और एक Oracle ने PLSQL डेवलपर, ये दो GUI environments आपके लिए बनाई हैं. जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपने ट्रिगर्स, पैकेजेस, कर्सर्स, कुछ भी लिखना है, ठीक है, या आपने जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, इट शुड बी इनसाइड SQL डेवलपर, PLSQL डेवलपर. हाँ, DBA ने अगर ये काम करना है तो वो लिमिटेड कामों के लिए SQL प्लस को यूज कर सकता है, नो इशू एट ऑल. हाँ, इसमें है, इसमें बिल्ट इन भी है, इसमें बिल्ट इन भी है, SQL डेवलपर इज बिल्ट इन. अगर आप एंटरप्राइज एडिशन करते हैं ना, तो एंटरप्राइज एडिशन में Oracle होम में जाएं, वहां पे SQL डेवलपर का एक फोल्डर है और वहां पे एक फाइल है SQL डेवलपर .sh. अब उस शेल स्क्रिप्ट को रन करें ना तो SQL डेवलपर गॉन टू बी लोडेड, सिर्फ एंटरप्राइज एडिशन में, दूसरे में नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं. आरमैन रिकवरी, रिकवरी के लिए यहां पे आपको Oracle अपना एक इंटीग्रेटेड टूल आरमैन प्रोवाइड करता है, आरमैन, जिससे आप बैकअप रिकवरी कर सकते हैं सारी की सारी. देखिए, बैकअप रिकवरी करने की बहुत स्ट्रैटेजीज हैं. बैकअप इज समथिंग एल्स, रिकवरी इज समथिंग एल्स. बैकअप में बड़ी टाइप के हैं, हॉट बैकअप, कोल्ड बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, क्यूमुलेटिव बैकअप, ठीक है, लॉजिकल बैकअप, फिजिकल बैकअप. रिकवरी भी बहुत टाइप की होती है, कंप्लीट रिकवरी, इनकम्प्लीट रिकवरी, फ्लैशबैक रिकवरी, किस तरह की रिकवरी करना चाहते हैं. सो आरमैन गिव्स यू अ क्वाइट ब्यूटीफुल वे. आरमैन की अपनी कमांड्स हैं, वंस आपने सीख ली तो चाहे Oracle रैक एनवायरमेंट में हो, चाहे डेटा गार्ड एनवायरमेंट में हो, चाहे स्ट्रीमिंग हो, जो मर्जी हो, ये कमांड वेरी नहीं करती, कमांड एज इट इज रहती हैं. आपको सिर्फ एक बार सीखनी है एंड देन इट्स क्वाइट ईजी. इसमें इट्स अ टूल, सो टूल मैं नो डाउट ये तो नहीं कहता कि जो Oracle के टूल हैं, देखिए Oracle के दो टूल हैं, वन इज आरमैन, वन इज OSB, Oracle सिक्योर बैकअप. ये दो टूल Oracle के हैं. ये आपको दोनों टूल डेटाबेस में कोई मसला आ गया, लाइक डेटाबेस की डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रिडू लॉग फाइल डैमेज हो गई, तो ये रिकवर कर देंगे. लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, अगर आपका Oracle होम, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जहां पे Oracle होम पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड है, वो डैमेज हो गया, तो ये कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे. उसके लिए थर्ड पार्टी लाइक Legato, Legato इज देयर, Veritas इज देयर, Veritas सर्वर्स हैं, ठीक है, Legato ह्यूज टेप मीडिया लाइब्रेरी जहां पर रोबोटिक आर्म्स वगैरह लगे होते हैं, 0.1 सेकंड में आपकी टेप शफल कर देते हैं, तो 200 किलोग्राम की एक टेप होती है, ठीक है. सो जितनी ये बिल्डिंग है,
प्लाजा पूरे का पूरा 10 स्टोरी बना लें तो वहां पे लेगाटो शुड बी कॉन्फिगर्ड क्वाइट ह्यूज एनवायरमेंट्स में, जहां पे आपके पास टेराबाइट्स, हेक्साबाइट्स या आपके पास कह लें जीटाबाइट्स तक का डेटा है, वहां पे लेगाटो ही चलता है ज्यादातर। बट आरमैन कैन बी इजिली कॉन्फिगरेबल विद लेगाटो एंड वेरिटास, इन दोनों के साथ इजिली कॉन्फिगर हो जाता है। और फिर लेगाटो वेरिटास आपको ये भी ब्यूटी देते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक बाय ब्लॉक इमेज ले लेते हैं। या आजकल की जैसे सैंड डिवाइसेस हैं या सॉस ब्लेड स्टोरेज या एमएसए डिवाइसेस हैं, वो भी अपना कोल्ड स्प्लिट, हॉट स्प्लिट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे या वेंडर लेवल पे यूटिलिटी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है। ओरेकल सिक्योर बैकअप, अगर आप हेट्रोजीनियस फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हैं, होमोजीनियस नहीं है। और नंबर टू के अगर आप ये कहते हैं जी के से आपके पास ग्लोबल NFS GFS गॉन टू बी डिप्लॉयड और आप उसके ऊपर बैकअप जिसे कहते हैं टेकअप करना चाहते हैं, सो टेप ड्राइव्स की रन टाइम पे फॉर्मुलेशन करना, टेप ड्राइव्स के अंदर कह लें कि कैशिंग वगैरह करना, Oracle Secure Backup वुड प्रोवाइड यू दिस थिंग। देन डेटा पंप API, जिसे आप पुराने जमाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट IMP लॉजिकल बैकअप IMP कहते थे और EXP कहते थे, टूडेज नाउ डेज इट्स IMPDP एंड इट्स EXPDP, ठीक है, डेटा पंप API आजकल इनकी जॉब बन जाती है। उसकी स्पीड को आप हैंडल कर सकते हैं, आप यहां तक बता सकते हैं, आप क्लॉज बता सकते हैं कि सिर्फ वो रोज एक्सपोर्ट करो इस टेबल में वेयर डिपार्टमेंट ID इज 10, लाइक आप क्यूरी तक लिख सकते हैं, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था होता। देन SQL लोडर, अ क्वाइट ब्यूटीफुल टूल फॉर ETL एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, क्योंकि जो भी आपकी OLTP एप्स चल रही होती हैं उसे अपने डेटा वेयर हाउस में आफ्टर एवरी 24 आवर्स और योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस यू कैन से SLA आपको ETL रोज अपने टास्क करने होते हैं। सो कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, लॉजिकल टू फिजिकल रो कन्वर्जन, फिजिकल रो टू लॉजिकल रो कन्वर्जन, रो सप्लिशन, इसकी अपनी डेटा फाइल कंट्रोल फाइल और इसकी अपनी कमांड फाइल्स होती हैं। आप इस सच ब्यूटीफुल टूल के जितनी भी नॉन ऑरेकल एनवायरमेंट हैं, लाइक आपके पास SQL सर्वर है, एक्सेल शीट्स हैं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, आपके पास कोबोल है, फॉक्स है, आप उससे डेटा ओरेकल में लेके आना चाहते हैं, फ्लैट फाइल से डेटा पढ़ना चाहते हैं, अपने कोई स्ट्रीम रूल्स लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट डैम इनसाइड SQL लोडर। SQL लोडर इज अ क्वाइट ब्यूटीफुल टूल फॉर लोडिंग डेटा फ्रॉम नॉन ओरेकल एनवायरमेंट टू ओरेकल एनवायरमेंट। वाइस वर्सा के लिए सेपरेट टूल्स यूज होते हैं, ठीक डियर। अब जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है उसके लिए चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन के लिनक्स हम यहाँ पे AS 5.3 आज करेंगे, एडवांस सर्वर 5.3, इट्स रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। नंबर टू के हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ओरेकल के लिए, ओरेकल कहता है कि 1 GB रैम फॉर डेटाबेस हो और 1 GB ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी चाहिए, सो टोटल 2 GB रैम हमें फिजिकल चाहिए एटलीस्ट। ये मैं लीस्ट स्पेक्स बता रहा हूँ, 3 GB हो 4 GB हो बहुत अच्छी है। स्वैप वी नीड 1.5 GB स्वैप तो हमें कम से कम ये चाहिए। टैंप के अंदर हमें जगह कितनी चाहिए, 500 MB। ओरेकल का अपना सॉफ्टवेयर अब गिनते जाएं, 1.5, 0.5, 3.5 GB होम ओरेकल होम ओरेकल की बाइनरीज टेक अप कर लेंगी। 1.2 GB जगह प्री कॉन्फिगर डेटाबेस ले लेगा, 2.4 GB जगह आपका फ्लैश रिकवरी एरिया ले लेगा। सबको एडअप करें, अरे अब मैथमेटिशियंस कितना हो गया, 17 में 4 ऐड अप करें, 21, 3, 6, 7, 8, 9, 9.1 GB तो ओरेकल टेक अप कर लेगा। अब जरा एक मिनट ठहर जाइए, 9.1 GB तो ओरेकल ने टेक अप कर लिया और 9 GB के करीब ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ टेक अप करता है। सो टोटल 20 GB हार्ड डिस्क आपके पास होनी चाहिए। 20 GB हार्ड डिस्क है तो ऐसी हरकत करें, एल्स ऐसी हरकत नहीं करें, ठीक है। 20 GB हार्ड डिस्क अपने ऑडियो वीडियो सॉन्ग जरा ट्रंकेट करें और एक ड्राइव की कुर्बानी दें, ठीक है। 2 GB रैम चाहिए एटलीस्ट आपको, 20 GB हार्ड ड्राइव चाहिए एटलीस्ट आपको, देन आपका वर्कशॉप 1 गॉन टू बी एग्जीक्यूटेड क्वाइट स्मूथली, नो इशू एट ऑल, ठीक। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, नहीं फोल्डर सब, चाहे वो ही ड्राइव हो, मैं ये भी नहीं कहता कि वो ड्राइव ना हो, पर ड्राइव पे फोल्डर, अगर सी पे पहले ओरेकल फोल्डर के अंदर हुआ है ना तो ओरेकल 1 के नाम का एक नया फोल्डर बना लें उसमें कर दें, चाहे ड्राइव एक हो नो इशू, ओरेकल बेस भी चाहे डिफरेंट हो ना हो, होम शुड बी डिफर, होम डिफर होने चाहिए। एक बेस में 2 होम हो सकते हैं, एक बेस में अनलिमिटेड होम्स हो सकते हैं और डिफरेंट टूल्स के होम्स हो सकते हैं, ओके। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास लिनक्स शुड बी इंस्टॉल्ड,
और जब लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेटअप डॉट एक्जी हो, आप मजे से सेटअप डॉट एक्जी को रन करें, सर्व करें, नो। यहाँ पे ये जो स्क्रीन आ रही है ना, ये वाली पहली स्क्रीन, लाते लाते आपके 12 बज जाएंगे, ठीक है। मीन कल जब आप सिलेबस एंड होगा ना, उतनी देर तक स्क्रीन आ जाएगी है। अ ह्यूज prerequisites should be there, जो कि आपको खुद कॉन्फिगर करने होंगे, ठीक है। अच्छा, वो configurations like once Linux gone to be installed, अगर आप run installer, इसकी फाइल होती है run installer, आप चलाएंगे तो वो फेल हो जाएगा इमीजिएट, वो नहीं चलेगा। इसमें आपको क्या कुछ करना पड़ता है, like once it's gone to be ready, तो सबसे पहले आपको network settings operating system की करनी पड़ेंगी, फिर आपको kernel की settings करनी पड़ेंगी, फिर आपको शेल लिमिट्स की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स प्लस यूजर्स ये बनाने पड़ेंगे, फिर आपको फॉर ओरेकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लेआउट करना पड़ेगा, देन आपको परमिशंस, फाइल सिस्टम के ऊपर परमिशंस और ग्रांट्स वगैरह एलोकेट करनी पड़ेंगी। देन इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पैचेस, पैच आरपीएम्स, जो इस रेड हैट 11G के लिए जो चाहिए वो आपको आरपीएम्स लगाने पड़ेंगे। देन आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स अपने सारे के सारे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, एंड देन यू वुड बी कैपेबल एनफ कि आप रन इंस्टॉलर फाइल को रन करें ताकि इसका GUI इंटरफेस रन हो सके, ठीक है। आपकी बुक में ये कुछ नहीं दिया गया, बिकॉज अगर आप किसी अच्छी जगह पे हैं तो ये आपकी ड्यूटीज हैं ही नहीं, ना ही ये सिस्टम एडमिन की ड्यूटीज हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपके लिनक्स मशीन का होगा ये उसकी ड्यूटीज हैं। बट इफ यू आर वर्किंग इन सम लाइक क्लोज्ड एनवायरमेंट और सम यू कैन से स्मॉल कंपनी, तो वहां पे ये सारी की सारी आपकी ड्यूटीज हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ओरेकल सपोर्ट से पैच मिलता है, पैच लगा लें तो ये सारे काम खुद कर देगा, लेकिन अगर रन टाइम पे एनवायरमेंट ने कोई प्री रेक्विजिट, क्योंकि जब ये OUI लोड होता है ना तो ये प्री रेक्विजिट चेक करता है कि क्या ये सारे काम आपने किए हैं कि नहीं किए, एक भी काम मिस हो गया ना तो उसने नेक्स्ट का बटन नहीं देना आपको, तो फिर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी फाइल है, किसमें जाके क्या चेंजेस करनी है। इसलिए स्टूडेंट लेवल पे इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग ये खुद मैनुअली करके देखें ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, किधर क्या क्या मसले आ सकते हैं। नो डाउट इट्स नॉट रिटन इन साइड योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है कि वो आपको करवाए, ठीक है। बुक में तो सिर्फ अज्यूम किया गया कि जी आप रन इंस्टॉलर चलाएंगे तो आपको पहली स्क्रीन ये मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये स्क्रीन आप चाहे जिसे कहते हैं साल बैठे रहे ना, नहीं आएगी जब तक कि आप सारे के सारे प्री रेक्विजिट्स फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू फुलफिल अ लॉट ऑफ प्री रेक्विजिट्स, ओके। Once Linux gone to be installed, तो VNC viewer है मेरे पास, हम उसकी पूरी की पूरी स्क्रीन कैप्चर कर लेंगे और ये वीडियो में आ जाएगी, लेकिन जब तक आपका Red Hat इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन जब तक Red Hat इंस्टॉल नहीं हो रहा, कह लें कि इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की वीडियो नहीं मिलेगी आपको। Red Hat की इंस्टॉलेशन अभी सामने आपके सामने लाइव होगी, हाँ उसका इंस्टॉल डॉक्यूमेंट आपको ये मिल जाएगा AS4 AS5 लाइक AS5 के ऊपर ये स्क्रीन बाय स्क्रीन बताया हुआ है कि जी लिनक्स की पहली स्क्रीन क्या आएगी, आपको क्या करना है अगर AS5 आप कर रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हैं, किस इमेज शेप में कर सकते हैं, पहली वेलकम की स्क्रीन आएगी, बूट की स्क्रीन आएगी, मीडिया की स्क्रीन आएगी, कीबोर्ड सिलेक्शन की स्क्रीन आएगी, तो ये स्क्रीन अभी मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि उसके बाद फिर हम इंस्टॉलेशन बिगिन करते हैं। देखिए जी, जब आप रेड हैट कह रहे हैं इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक ही मेजर स्क्रीन आएगी, डेट इज बूट स्क्रीन, वो एनाकोंडा बूट लोडर उसका लोड होगा, वो आपसे हेलो हाय करेगा जी, कहेगा कि मीडिया के आपका टेस्टेड है, अगर आप श्योर नहीं है कि आपकी DVD ठीक नहीं है तो आप एग्जॉस्टिव चेकिंग करें, एल्स आप इस चीज़ को स्किप कर दें। फिर वेलकम की स्क्रीन आएगी, कीबोर्ड आएगा, क्वालिटी कीबोर्ड है, फिर आएगा कि जी कोई प्रीवियस आपने रेड हैट किया तो नहीं हुआ, अगर प्रीवियस नहीं किया हुआ तो ठीक है। देन डिस्क पार्टीशनिंग, डिस्क पार्टीशनिंग में दो ऑप्शंस आती हैं, डिस्क पार्टीशन क्या मैनुअली करनी है आपने, मैनुअल वाया डिस्क ड्रॉइड इज अ यूटिलिटी, या आपको ऑटोमेटिक, अगर आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि आपके पास हार्ड डिस्क कितनी है और मुझे क्या क्या माउंट पॉइंट बनाने हैं। जैसे विंडोज की इंस्टॉलेशन के लिए सी ड्राइव का बनाना जरूरी होता है, सेम जब आप लिनक्स करते हैं तो हमें 3
माउंट पॉइंट्स बनाने लाजमी होते हैं. कौन कौन से? बूट, रूट, स्वैप. बूट 350 मेगाबाइट का मैक्स, मैक्स इससे बड़ा बना भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसमें बूट डिस्क, बूट इमेज लोड होता है. रूट, इसे हम बोलते हैं रूट माउंट, ये दीज आर कॉल्ड नॉट ड्राइव, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव होती है ऐसे यहां पे माउंट पॉइंट्स होते हैं. माउंट पॉइंट रन टाइम में कहीं पे भी लोड हो सकते हैं, जैसे विंडोज में ड्राइव का कॉन्सेप्ट होता है, इधर माउंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है. देन रूट, आप फिर क्या करेंगे, लाइक बूट बना दिया पहले 350, फिर आप स्वैप, स्वैप इज अ यू कैन से वर्चुअल मेमोरी, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है. और स्वैप इज नॉट अ माउंट पॉइंट, इट्स अ फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम है. अब स्वैप कितनी बनाएं, ये टोटली डिपेंडेंट है कि आपके पास रैम कितनी है. जब रैम आपके पास 1 GB से लेके 4 GB तक हो या 2 GB तक हो, स्वैप शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 टाइम योर रैम साइज. अगर रैम 1 GB है, स्वैप 2 GB होगी. अगर रैम 2 GB है, स्वैप 4 GB होगी. बट 4 GB से बड़ी स्वैप बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपके पास हार्डवेयर 32 बिट है. 32 बिट के ऊपर 4 GB से बड़ी स्वैप बनाने का कोई फायदा नहीं होता. हाँ, अगर प्रोसेसर आइटेनियम चिप है, जियोन चिप है, कोर टू क्वाड है, या आपके पास आई सीरीज का है, देन इट्स ओके, क्योंकि इसमें पीआई सेक्शन होता है. पीआई सेक्शन इज कैपेबल एनफ कि वो एक प्रोसेस को 16 TB ऑफ मेमोरी एलोकेट कर सकता है. या 64 बिट पे हैं आप तो फिर भी ठीक है, फिर आप जितनी मर्जी मेमोरी रखें, चाहे 16 TB तक बना दें, नो इशू. बट 32 बिट जो कि हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर 4 GB से बड़ी स्वैप बनाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा. सो मैक्स मैक्स स्वैप 4 GB तक बनाएं. अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक्स हैं, ये कोई कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस हैं ओरेकल की तरफ से, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी लाजमी ये काम करें. ठीक है, सो अगर आपके पास रैम 1 GB टू 2 GB है, सो स्वैप शुड बी 2 टाइम योर रैम, जितनी भी आपकी रैम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. अगर आपके पास रैम 4 GB है तो स्वैप इसके इक्विवेलेंट बनेगी. Swap should be equivalent to your RAM size. और अगर आपके पास RAM 4 GB to 16 GB है, so swap फिर आप कम होती जाएगी. ये फिर from like you can say 75% to 25% of RAM size हो जाएगी, कम होती जाएगी. अगर RAM physical 4 GB से ज़्यादा है तो swap 75% उसका बनाएंगे. अगर RAM 8 GB है तो फिर स्वैप उसका 75% बनाएं. रैम 16 GB है तो स्वैप 25% उसका बनाएं. ये ओरेकल की तरफ से रिकमेंडेशंस हैं, ये रेड हैट की तरफ से रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ओरेकल की तरफ से रिकमेंडेशंस हैं. ओके, सो इनिशियली आपने क्या किया, सबसे पहले बूट बना दिया. बूट बनाने के बाद आप से हमारे पास यहाँ पे 2 GB रैम है, सो आई हैव टू क्रिएट अ स्वैप ऑफ 4 GB. 4 GB की मैं स्वैप बना दूंगा बिकॉज हेयर आई हैव अ रैम ऑफ 2 GB. ठीक, और रेस्ट स्पेस जितनी हार्ड डिस्क पे जगह बच जाएगी वो मैं सारी की सारी रूट माउंट पॉइंट को एलोकेट कर दूंगा. इसमें 2 स्पेक्स हैं. से मेरी हार्ड डिस्क है 80 GB की, 80 GB में से 350 मेगाबाइट इधर चले गए, 4 GB स्वैप में चले गए, और बाकी कितनी बच गई, बाकी तकरीबन ये 76 GB बच जाती है. ये मैं सारी की सारी रूट को दे दूंगा. अगर प्रॉपर सिस्टम एडमिन आपके पास नहीं है या आप में अच्छी सिस्टम एडमिन स्किल्स नहीं है तो दिस वन इज अ प्रेफर्ड आर्किटेक्चर. और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम एडमिन है, ठीक है, और यू हैव अ क्वाइट गुड स्किल्स, तो फिर ये स्ट्रक्चर रिकमेंडेड नहीं है. फिर क्या करें, सिर्फ रूट नहीं बनाना, फिर आपने रूट के अलावा टैम्प, वॉर, ओपीटी, यूएसआर, होम, ये भी आपको सारे माउंट पॉइंट्स बनाने हैं. अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये सारे माउंट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली रूट के अंडर लोड हो जाएंगे. बनेंगे फिर भी, लेकिन रूट के अंडर लोड हो जाएंगे. और जितनी जगह रूट के पास है, अगर रूट के पास 76 GB है तो हर एक इंडिविजुअल के पास भी कितनी होगी, 76 GB. जब आप ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा. वो कहता है, ओरेकल कहता है जी टैम्प में 1 GB जगह होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंडर लोडेड है, रूट के पास 76 GB फ्री है, तो टैम्प के पास भी 76 GB फ्री है क्योंकि वो रूट के अंडर लोडेड है.
एल्स क्या होगा, अगर मैं टैंप अलहरा से बनाता हूं तो गारंटी देनी पड़ेगी कि जी टैंप 1 GB फ्री हो, लाजमी फ्री हो, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप सिर्फ रूट को जगह दे दें, ये रूट के अंडर खुद ही बन जाएंगे, आपको कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि अगर आप बनाएं तो फिर ये कितनी कितनी जगह का बनाएं। टैम्प ऑरेकल के लिए 2 GB, ऑरेकल रिकमेंड करता है कि टैम्प 2 GB का हो और एम्प्टी हो। वॉर, जिसमें आपकी हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिंग, लाइक वॉर के अंदर लॉग मैसेजेस और लॉट ऑफ फाइल्स बनती हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्पीड के साथ अपना लॉग लिखता है, ये 1 GB का होना चाहिए। OPT, अगर आपने कल को कोई पैच वगैरह लगाया तो 5 GB कम से कम इसको जगह दें। USR का लोकल, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेंगे तो वो अपनी मेन बाइनरी फाइल्स इधर सेव करेगा, कम से कम 500 MB जगह दें। होम, जिसमें आपके तमाम यूजर्स के होम की सेटिंग्स सेव होंगी, ओरेकल कॉर्पोरेशन स्ट्रांगली रिकमेंड करता है 1 GB जगह इसको दें। और अगर नहीं देना चाहते, नहीं आपको कमांड्स आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप रन टाइम पे इन्हें इंक्रीज डिक्रीज या कुछ कर सकें, तो फिर इसको कुछ भी नहीं करें, आप सिंपल ये जगह रूट को दे दें, वो रूट में खुद ही बन जाएंगे, जितनी जगह रूट के पास होगी उतनी जगह इनके पास होगी। और रूट को कम से कम आप कितनी जगह देंगे, एटलीस्ट 20 GB, जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी। इस 20 GB में से 10 GB जगह खाली बच जाएगी और 10 GB 7 to 9 GB के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पैकेजेस इंस्टॉल खुद ही कर लेगा, ठीक। सो डिस्क पार्टिशनिंग या डिस्क मैनेजमेंट में आपको रूट बूट स्वैप, आपको सिर्फ 2 mount point और एक फाइल सिस्टम बनाना है। डिस्क ड्रॉइड यूटिलिटी यूज करके एक बूट बनाना है, एक रूट बनाना है, एक स्वैप बनाना है, काम खत्म, डिस्क पार्टिशनिंग खत्म, ठीक। उसके बाद फिर आपके पास अगली स्क्रीन आ जाएगी, लाइक वो आपसे पूछेगा कि डिस्क पार्टिशनिंग कर ली तो अब क्या किया जाए जी। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में याद रखिएगा आपको IP वर्जन 6 डिसेबल करना है, IP वर्जन 4 एनेबल करना है, आपको स्टैटिक IP देना है, आपको तमाम फायरवॉल्स खत्म करनी है, आपको सिक्योर लिनक्स मोड डिसेबल करना है, आपने कोई DNS यूज नहीं करना, कोई गेटवे यूज नहीं करना, आपने सिंपल एक स्टैटिक IP लाइक 192.168.1.78 करिस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क इसका दे देना है, डेट्स ऑल। कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई DNS नहीं चाहिए, कोई गेटवे नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, बट स्टैटिक IP लाजमी चाहिए। हाँ, जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं जी DNS हो, सिक्योरिटी हम IPS हम इंट्रूशन प्रोटेक्शन सिस्टम या इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम या सिस्को की फायरवॉल्स लगाना चाहते हैं, आप चाहे 60 million की फायरवॉल लगाएं सिस्को की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिस मर्जी लेयर की लगाएं, उसके लिए फिर आपको ओरेकल कनेक्शन मैनेजर या ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी सेपरेट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करनी पड़ेगी, वो सर्वर के साथ कॉन्फिगर करें। डेटाबेस वाले सर्वर के ऊपर ऐसी हरकत नहीं आप करेंगे, क्योंकि एल्स डेटाबेस की परफॉर्मेंस लूज हो जाएगी सारी की सारी, ओरेकल यही स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, ठीक है। ऑफ्टन लाइक नेटवर्क सेटिंग्स की ये स्क्रीन आ जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग टाइम जोन की सेटिंग्स, रूट का पास क्या है, आपने क्या क्या पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं। पैकेजेस में ये होता है कि डेस्कटॉप में जीनोम, एप्लीकेशन में तमाम एडिटर, ग्राफिक एडिटर, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट लाइब्रेरीज, टूल्स, लेगेसी सिस्टम्स, बूट या बेस सिस्टम में आप जावा लेगेसी और विंडोज एक्स वगैरह ये सेट करें, और डेट्स ऑल। उसके बाद जस्ट आपको टाइम देना है इसकी इंस्टॉलेशन का, वो टाइम मांगेगा आपसे इसकी इंस्टॉलेशन का, और फिर चंद एक प्री रिक्विजिट्स, जब वो दोबारा बूट अप होगा तो आपसे पूछेगा, डेट्स ऑल। Your Linux gone to be deployed. Once Linux gone to be deployed, तो फिर हम दोबारा आएंगे कि अब हमें prerequisites, ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉग इन होंगे, उसकी वीडियो कैप्चर होगी सारी की सारी, और तमाम prerequisites मैं आपके सामने यहाँ पे कॉन्फिगर करूंगा विद योर वीडियो। सो अभी राइट नाउ आई हैव टू फ्लश द वीडियो, जब भी हाफ एन आवर हो जाए तो मुझे बता दिया करें, क्योंकि हाफ एन आवर के बाद ऑडियो वीडियो इंटरसिंक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, ठीक है।